So our new chapter, bank reconciliation statement that we are going to begin today. Now what we are going to learn in this chapter? So we will learn about preparation of the bank reconciliation statement. As you all are aware about, for recording the cash transactions, businessman has to prepare cash book. In our previous classes, we have taken preparation of the cash book. In that, I explain you, all the cash transactions are recorded in cash book. In cash book, we prepare cash column and bank column. Transactions with bank are recorded in the bank column, and transactions which are done with the help of cash are recorded in cash column. Bank reconciliation statement deals with preparation of one statement in which we will try to understand why there is a difference between bank balance as shown by the passbook and bank balance as shown by our cash book. आप सबको पता होगा कि बैंक के साथ हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो हम कैशबुक में रिकॉर्ड करते हैं. तो हमने बैंक में जितना भी रुपया डिपॉजिट करवाया है या तो बैंक में जो भी अमाउंट विथड्रॉ किया है या तो किसी से चेक इश्यू किया है, तो हमारा बैलेंस बैंक का जो हमारी कैशबुक बता रही है और पासबुक में जो हमारा बैंक बैलेंस दिख रहा है जो बैंक हमें इश्यू करती है बैंक स्टेटमेंट या तो बैंक पासबुक, तो वो दोनों बैलेंस इक्वल होने चाहिए. अब कभी क्या होता है कि पासबुक में कुछ अलग बैलेंस दिखता है और कैशबुक में कुछ बैलेंस अलग होता है. आप सबको पता होगा कि जो बैंक होती है मंथली अपने कस्टमर को एक स्टेटमेंट भेजती है जिस स्टेटमेंट में वो बताती है कि आपने कितना अमाउंट विथड्रॉ किया, कितना डिपॉजिट किया और आपका बैंक में कितना बैलेंस है. तो पासबुक से हमें पता चलता है पर मंथ दैट व्हाट इज द बैलेंस इन अवर बैंक अकाउंट. तो जितने भी बिजनेसमैन होंगे उनको एक स्टेटमेंट मिलता होगा या तो उनके पास पासबुक होगी जिसमें रिकॉर्ड होता है कि बैंक ने उनके साथ क्या ट्रांजेक्शन किया है, उन्होंने बैंक के साथ क्या ट्रांजेक्शन किए हुए हैं और उनका बैंक में क्या बैलेंस है, कितना लोन लिया है. एवरीथिंग इज शोन बाय द पासबुक. आप लोगों को यह भी पता है कि हम बैंक के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो ट्रांजेक्शन हमारी कैशबुक के बैंक कॉलम में हम लिखेंगे. तो अब हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस इक्वल होना चाहिए. पर रियलिटी में होता क्या है, जब एक मंथ के बाद जब हमारे पास बैंक का स्टेटमेंट आता है तो हम देखते हैं तो उसमें कुछ बैलेंस अलग होता है और हमारा कैशबुक जो मंथली हम क्लोज करते हैं तो उसमें बैंक बैलेंस कुछ अलग दिखता है. तो बिजनेसमैन आर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैशबुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैशबुक को हमारी पासबुक से हम कंपेयर करेंगे. वी विल कंपेयर ऑल द ट्रांजेक्शन विच वी हैव रिकॉर्डेड इन द कैशबुक बैंक कॉलम एंड द ट्रांजेक्शन विच आर गिवन बाय द पासबुक और बैंक स्टेटमेंट. तो कंपेरिजन से हमें एक पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो कौन सी आइटम्स है जो हमने कैशबुक में लिखा हुआ है पर पासबुक में नहीं है, या तो वो कौन से ट्रांजेक्शन है जो पासबुक में रिकॉर्डेड है पर हमारी कैशबुक में नहीं है. तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं. इस चैप्टर में हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम एक डिफरेंस जो है व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक वो फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे. अभी तक जो मैंने बताया कोई आइडिया आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? हेलो जी सर. ओके अच्छा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे कैशबुक बिजनेसमैन बनाता है, जो बैंक में अकाउंट होल्डर है वो बनाता है कैशबुक, और जो पासबुक होता है
या तो बैंक स्टेटमेंट जो होता है दैट इज गिवन बाय द बैंक एंड इट इज गिवन मंथली बेसिस। आप लोगों को भी ईमेल आते होंगे, आपके किसी बैंक में अकाउंट हो गए तो आपको भी उसमें ईमेल में पता चलता होगा कि आपका क्या बैलेंस है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं पासबुक क्या है, बैंक पासबुक क्या है या तो बैंक स्टेटमेंट क्या है। तो हमें सबको पता है, सबने पासबुक देखा हुआ है, बैंक पासबुक या तो जिसे हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या तो बैंक स्टेटमेंट इज अ मियरली अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक। इट शोज द ऑल द डिपॉजिट्स विड्रॉवल्स एंड बैलेंस अवेलेबल इन द कस्टमर्स अकाउंट। ज्यादातर जो पासबुक होता है उसका फॉर्मेट इस तरीके से होता है, पासबुक में डेट लिखा होगा, पर्टिकुलर्स होगा, अमाउंट जो विड्रॉ किया होगा वो लिखा होगा, डिपॉजिट जो हमने अमाउंट किया होगा वो लिखा होगा और हमारा बैलेंस बताया होगा कि हमारा उस बैंक में पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर मंथ के एंड में कितना बैलेंस है। तो इस तरीके से पासबुक होता है, ज्यादातर हमने पासबुक देखा। अगर पासबुक नहीं देखा होगा तो बैंक स्टेटमेंट देखा होगा। बैंक स्टेटमेंट में कुछ ऐसे ही कॉलम्स होते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि हमने क्या अमाउंट डिपॉजिट करवाया है या तो कौन सी अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है और कितना अमाउंट हमने कब विड्रॉ किया है। वो सारी इंफॉर्मेशन पासबुक से या तो बैंक स्टेटमेंट से हमें मिल जाती है। तो दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक पासबुक। तो बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? Nowadays, bank issues bank statement to customers. Bank statement is a summary of transactions occurred over a given period of time. किसी पर्टिकुलर मंथ में हमने बैंक से कितने ट्रांजेक्शन्स किया है उसकी एक समरी होती है बैंक स्टेटमेंट में, जो मंथली बेसिस पे कस्टमर को उसके ईमेल अकाउंट पे सेंड किया जाता है। ज्यादातर बैंक ने अभी पासबुक बंद कर दिया है क्योंकि पासबुक में प्रिंट करना होता है, पेजेस भी वेस्ट होता है, लोगों के पास टाइम भी नहीं होता है। सो नाउअडेज बैंक स्टेटमेंट इज सेंड ऑनलाइन इन द कस्टमर्स अकाउंट। ओके, अब हमारा इस चैप्टर में हमें यह समझना है कि हमारा जो बैंक बैलेंस है जो हमारी कैशबुक बता रही है और पासबुक में जो बैलेंस है वो दोनों में डिफरेंस क्यों आता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देर आर सम रीजंस बिकॉज ऑफ दैट देर इज डिफरेंस बिटवीन कैशबुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। पासबुक शोज ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेसमैन विथ बैंक एंड कैशबुक शोज कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस। बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक में शो बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, आपका जो कैशबुक में बैंक कॉलम होगा, हम दो कॉलम बनाते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम में अगर हमारा बैंक में बैलेंस है तो बैंक बैलेंस बताएगा, अगर हमने बैंक से कुछ लोन लिया हुआ है तो बैंक ओवरड्राफ्ट बताएगा। ये ज्यादातर बिजनेसमैन के केसेस में होता है कि बिजनेसमैन टेक शॉर्ट टर्म लोन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 or 3 months, तो एक बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। अगर लोन नहीं लिया है तो बैंक में बैलेंस होगा तो बैंक बैलेंस बताएगा। इफ ऑल ट्रांजेक्शंस आर करेक्टली रिकॉर्डेड बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक शुड बी द सेम, दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर हमने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं वो बैंक में भी रिकॉर्ड किए हुए हैं, या तो बैंक ने जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हुए हैं वो हमने भी रिकॉर्ड किए हैं, तो दोनों का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। हाउएवर बोथ बैलेंसेस डू नॉट टैली ड्यू टू वेरियस रीजंस, दे आर एज फॉलो। तो यहां पे आपको कुछ रीजंस बताए हुए जिसकी वजह से बैलेंस टैली नहीं होता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपको यहां पे बताया हुआ है, चेक्स इश्यूड बाय द फर्म दैट मींस बाय द बिजनेसमैन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बिजनेसमैन क्या करता है, अगर किसी को पेमेंट करना होता है तो वो चेक लिख के देता है, उसको चेक से पेमेंट करता है। अब होता क्या है, हम जब किसी को चेक का पेमेंट करेंगे तो हमारी कैशबुक में हम ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड कर देते हैं हमारी कैशबुक में कि किसी पर्सन को हमने चेक से पेमेंट किया,
तो हमारा कैशबुक का जो पेमेंट साइड है उसमें हम इसको बताएंगे कि चेक इश्यूड टू सो एंड सो पर्सन। अब आप सबको बताएं कि जब हम आज चेक इश्यू करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आज के आज ही दिन हमारे बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा। हम कस्टम हमारे जिसको भी पेमेंट करना है उसको हम चेक देंगे, फिर वो अपनी बैंक में जमा करवाएगा, उसकी बैंक हमारी बैंक से कलेक्शन करेगी, तो उसमें 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। तो इस वजह से होता क्या है कि हमने तो पेमेंट साइड लिख दिया होगा, हमने जब चेक का इश्यू किया तो हमने पेमेंट साइड लिख दिया होगा कि वी हैव इश्यूड चेक, वी हैव मेड पेमेंट, पर बैंक में से वो बैलेंस कम नहीं होता है जब तक जिसको पेमेंट किया है उसकी बैंक हमारी बैंक से वो कलेक्शन नहीं कर लेती। तो इस वजह से होगा क्या, हमारा कैशबुक का बैंक बैलेंस जो है वो कम होगा और बैंक का बैलेंस जो हमारा है वो एक्चुअली ज्यादा होगा, क्योंकि चेक तो हमने इश्यू कर दिया है पर अभी तक हमारी बैंक से पेमेंट किया गया नहीं है। क्यों पेमेंट नहीं किया गया है? क्योंकि सामने वाली बैंक या तो जिसको हमने पेमेंट किया है उसने अभी तक वो अमाउंट हमारे बैंक से कलेक्ट नहीं किया है। आ रहा है समझ में आप लोगों को ये फर्स्ट पॉइंट? मानसी, जानवी, भास्कर रॉय। जी सर, चेक इशूड फॉर्म एंड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हाँ ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से दूसरा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। अच्छा, जैसे हम किसी को चेक देते हैं उसी तरह से हम बहुत बार कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं और कस्टमर हमको चेक देते हैं। अब जब कस्टमर हमको चेक देगा तो हम क्या करेंगे, उस चेक को हमारी कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले कि पेमेंट इज रिसीव्ड। तो हमारी कैशबुक का रिसीप्ट साइड बताएगा कि चेक अमाउंट रिसीव्ड। तो हमारा चेकबुक से, अच्छा जो ये चेक रिसीव हुआ है उससे हमारा कैशबुक का बैंक बैलेंस हम बढ़ा देंगे, क्योंकि जैसे ही हमको चेक मिलेगा किसी से हम कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब हमें क्या करना होता है, किसी ने हमें चेक दिया है तो हम हमारी बैंक में उसको जमा करवाएंगे, फिर हमारी बैंक उसकी बैंक से कलेक्शन करेगी, तो उसमें 2-3-4 दिन का टाइम लग जाता है। तो कभी कभी हमने तो चेक रिसीव कर लिया पर हमारी बैंक ने अभी तक कलेक्शन नहीं किया है, तो हमारी बैंक का बैलेंस बढ़ेगा नहीं जब तक हमारी बैंक वो अमाउंट कलेक्ट नहीं कर लेती है। तो इस वजह से होगा ये कि हमारी कैशबुक में तो हमने बैंक बैलेंस बता दिया, हमने रिसीप्ट साइड रिकॉर्ड कर दिया कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, पर एक्चुअली बैंक में वो बैलेंस नहीं बढ़ा होता है, इसलिए डिफरेंस आता है कैशबुक के बैंक बैलेंस में और पासबुक के बैंक बैलेंस में। तो ये दो फर्स्ट पॉइंट जो थे उसमें एक तो है चेक हमने इश्यू किया किसी को पर अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, और दूसरा केस ऐसा है किसी ने हमको चेक दिया पर हमारा बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया है। तो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन देयर वुड बी डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे बताए हुए हैं, जैसे कि किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया पर हमें पता नहीं है, तो हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो इसलिए डिफरेंस आएगा। मंथली बेसिस पे बैंक कभी कभी चार्जेस रिकवर करती है, तो अगर बैंक ने कोई चार्जेस डेबिट कर दिया है हमारे अकाउंट से, हमारे अकाउंट से कोई अमाउंट कट कर दिए, बैंक चार्जेस या बैंक कमीशन उनका जो भी चार्जेस है, हमें पता नहीं था इसलिए हमने कैशबुक में नहीं रिकॉर्ड किया है, तो इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। कभी कभी बैंक इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करती है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, इफ कस्टमर हैज इन्वेस्टेड मनी समवेयर देन बैंक रिसीव इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। सो उससे बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा पर जब तक कस्टमर को पता नहीं चलेगा तब तक उसने अपने कैशबुक में लिखा नहीं होगा, इसलिए कैशबुक और बैंक का बैलेंस अलग होगा। सिमिलरली डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कभी कभी हमारे बैंक अकाउंट से ईएमआई कटता है
इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट. अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन लिया है, या तो होम लोन लिया हुआ है, या तो कोई बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया है, और आपने बैंक को बोल के रखा हुआ है कि मंथली इस डेट को आप इंस्टॉलमेंट काट लेना, तो उस डेट को हमारे अकाउंट से वो पेमेंट कट हो जाएगा, हमारा बैंक का बैलेंस उतना कम हो जाएगा. पर ये ट्रांजेक्शन अगर हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया है तो बैंक बैलेंस और कैशबुक का बैलेंस डिफरेंट आएगा. उसी तरीके से चेक्स डिसऑनर्ड, बिल्स डिसऑनर्ड, चेक्स डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड. कोई हमें पेमेंट करता है, उसका चेक हम बैंक में जमा करवाते हैं और उसके अकाउंट में अमाउंट ना होने से उसका चेक डिसऑनर हो जाता है, तो वो हमें पता नहीं चलता जब तक हमारे पास बैंक से कोई इंफॉर्मेशन ना आए, तो इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है. कभी कभी हम एरर करते हैं कैशबुक में रिकॉर्ड करने की जगह पे, रिसिप्ट को पेमेंट बता देते हैं या तो पेमेंट को रिसिप्ट बता देते हैं, तो गलत एंट्री हो जाती है हमारे से कैशबुक में, तो इस वजह से भी डिफरेंस हो सकता है. एंड समटाइम एरर्स आर ऑल्सो कमिटेड बाय बैंक ऑल्सो. कभी कभी बैंक हमारे अकाउंट से कुछ अमाउंट डेबिट कर लेती है. तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जिससे होता क्या है, कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं होता है, दोनों डिफरेंट आता है. जैसे कि एग्जांपल, हमारा कैशबुक बता रहा है कि हमारे अकाउंट में 10,000 रुपीज बैंक बैलेंस है. हमारा कैशबुक ऐसा बता रहा है कि 10,000 रुपीज बैंक बैलेंस है, पर जब एक्चुअली मंथ के एंड में हम स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बैंक में 15,000 रुपया है, कैशबुक बता रहा है 10,000 रुपया है और बैंक का स्टेटमेंट बता रहा है 15,000 रुपया है, तो 5,000 का डिफरेंस आया. तो हमें मंथ के एंड में फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, और उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिस स्टेटमेंट को बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. चलो, अभी तक जो मैंने बताया उसमें आइडिया आ रहा है आप लोगों को? तो मुझे आप बताइए, ये स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, कोई बताएगा? एनीवन, व्हाई डू वी प्रिपेयर दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? एनीवन? अभी तक मैंने आपको खाली यही बताया कि स्टेटमेंट हम क्यों बना रहे हैं. सर, हम ये स्टेटमेंट इसलिए बना रहे हैं कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारा बैंक में बैलेंस कितना है, क्योंकि हम चेक इशू किए हैं, कोई वो चेक को बैंक में प्रोड्यूस नहीं किया. लेकिन अगर हम उस बैलेंस को निकाल लेते हैं अपना अकाउंट से और बाद में वो चेक डालता है तो चेक बाउंस करेगा, दैट इज मतलब लीगली नॉट गुड. मानसी, व्हाई डू वी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? जानवी? चलो, फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, ये स्टेटमेंट हम क्यों बना रहे हैं. अभी भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर से एक बार बता देता हूँ. देखो, हम लोग बनाते हैं कैशबुक और उस कैशबुक में हम बैंक के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो रिकॉर्ड करते हैं. हमारे बैंक के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो बैंक पासबुक में रिकॉर्ड करती है, बैंक स्टेटमेंट में हमें बताती है. एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वी गेट द बैंक स्टेटमेंट, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा बैंक में कितना बैलेंस है. उसी तरीके से हमारा कैशबुक भी हर महीने हम क्लोज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा बैंक में कितना बैलेंस है. पर रियलिटी में होता क्या है कि हमारा कैशबुक का जो बैंक बैलेंस बता रहा है वो बैलेंस और बैंक का जो स्टेटमेंट में जो बैलेंस बता है वो दोनों बैलेंस इक्वल नहीं होते हैं, दोनों में डिफरेंस आता है. तो हमें एक स्टेटमेंट बनाना है जिस स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन कैशबुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस. तो हमें ये स्टेटमेंट इसलिए बनाना है ताकि हमें पता चले व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच देयर इज अ डिफरेंस इन पासबुक बैलेंस एंड कैशबुक बैंक बैलेंस. इसके लिए हमें करना क्या होगा,
जब भी हमें बैंक से स्टेटमेंट मिलेगा उस बैंक स्टेटमेंट की हम कंपैरिजन करेंगे हमारे कैशबुक के बैंक कॉलम से और हम देखेंगे कि वो कौन से ट्रांजेक्शन है जो बैंक ने रिकॉर्ड किए हैं पर हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, वो कौन से ट्रांजेक्शन है जो हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं पर बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए। तो ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन की वजह से डिफरेंस आता है और उनको हम एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे जिस स्टेटमेंट को हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। जी सर। अच्छा तो अभी इसमें स्टेप्स कैसे हम इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो आपका कैशबुक होना चाहिए जिसमें आपने बैंक के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे वो रिकॉर्ड किए होंगे। दूसरा आपके पास बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए या तो बैंक में पासबुक जो होगी उसका एंट्री किया हुआ होना चाहिए। ये दो चीजें आपके पास होगी तो आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बहुत इजीली बना पाओगे। सबसे पहले तो हमारा कैशबुक जिसमें हमने मंथली बेसिस पे सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हुए हैं जो बैंक के साथ हुए हैं, और दूसरा हमारे पास बैंक से जो स्टेटमेंट आया हुआ है वो होगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन से ट्रांजेक्शन्स है जो बैंक ने रिकॉर्ड किए हैं पर हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं। जैसे कि बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट कर दिया है हमारे अकाउंट से, मान लो 50 रुपया कट कर लिया है बैंक चार्जेस, वो हमें बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है और वो चीज हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो एक डिफरेंस का पॉइंट हुआ। तो डिफरेंस कौन से ट्रांजेक्शन से आ रहा है उनको टिक मार्क करना है और बाद में ये जितने भी डिफरेंस वाले पॉइंट है उनको इस स्टेटमेंट में हम प्रेजेंट करेंगे जिसको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहा जाता है। अच्छा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट किस तरीके से बनाएंगे, तो यहां पे उसका स्पेसिमेन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ऊपर टाइटल दे देना है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन सो एंड सो डेट। ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं वो मंथली बेसिस पे स्टेटमेंट बनाते हैं क्योंकि बैंक से हमें जो स्टेटमेंट मिलता है वो मंथली बेसिस पर मिलता है और हर महीने हमें पता चल जाता है कि हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस डिफरेंट क्यों है। तो ज्यादातर अकाउंटेंट को ये मंथली बेसिस पर ये स्टेटमेंट बनाना होता है। कॉलम्स बहुत ही सिंपल से पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। अब यहाँ पे कुछ मटेरियल दिया हुआ है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बात कर ले व्हाई देयर इज अ नीड, What is the importance of bank reconciliation statement? तो मैंने अभी आपको जो बताया वही चीजें हैं। It is neither compulsory to prepare bank reconciliation statement, nor a date is fixed on which it is to be prepared. मतलब bank reconciliation statement बनाना compulsory नहीं है। This is one additional statement which is prepared by the accountant just to check why there is a difference in कैशबुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। दूसरा इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, आप जब चाहे तब बना सकते हो, पर ज्यादातर केस में हमको स्टेटमेंट मंथ के एंड में मिलता है इसलिए हम मंथ के एंड में ही इसको बना सकते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टाइम टू चेक दैट ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड बाय द बिजनेसमैन इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक and by the bank in the ledger account. तो ये स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम चेक कर पाए कि दोनों ने, मतलब बिजनेसमैन ने और सामने बैंक ने, सभी ट्रांजेक्शन्स प्रॉपरली रिकॉर्ड किए हैं। और अगर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है तो वो डिफरेंस का पॉइंट होगा और उसको हम इस स्टेटमेंट में बताएंगे। Thus it is prepared to reconcile, that means to adjust the bank balance shown by the cashbook and by the bank statement. तो हम यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि हमारा और बैंक का बैलेंस डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो वो कंफर्मेशन के लिए ये स्टेटमेंट बनाया जाता है।
अच्छा इस स्टेटमेंट बनाने से बेनिफिट क्या होगा? तो इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग इफ देर इज एनी एरर इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन एंड एसर्टेनिंग द करेक्ट बैंक बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो इससे हमें हमारी एरर पता चल जाएगी, या तो बैंक ने कुछ एरर किया है तो वो पता चल जाएगी, हमें पता चलेगा कि किस रीजन से हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस इक्वल नहीं है, वो कौन से ट्रांजेक्शंस हैं जिसकी वजह से हमारा बैलेंस कुछ अलग है और बैंक का बैलेंस कुछ अलग है। सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। अच्छा अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम बात कर लेते हैं। Now see, we have two things. एक तो हमारे पास कैश बुक है, और अब आप सबको पता है कि कैश बुक इज प्रिपेयर बाय बिजनेसमैन, मतलब बिजनेसमैन का अकाउंटेंट जो होगा वो कैश बुक बनाएगा। आप सबने कैश बुक अच्छी तरीके से देखा हुआ है। कैश बुक में दो साइड होता है, एक तो रिसीप्ट साइड होता है जिसको हम डेबिट साइड भी कहते हैं, और दूसरा एक साइड होता है उसमें पेमेंट साइड कैश बुक में, जिसको आप क्रेडिट साइड भी बोल सकते हो। तो दो साइड होता है कैश बुक में। अच्छा अगर किसी ने हमें चेक दिया है, मान लो हमारे किसी कस्टमर ने हमको चेक दिया है, तो वो हमने रिसीप्ट साइड बताया होगा। अगर हमने किसी को चेक इश्यू किया है तो वो हमने पेमेंट साइड बताया होगा हमारी कैश बुक में। अच्छा ये जो कैश बुक होता है वो मंथली बेसिस पे क्लोज किया जाता है। जब आप इस कैश बुक को क्लोज करोगे तो उसमें बैलेंस की दो पॉसिबिलिटीज है। अगर इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर, आपकी कैश बुक में डेबिट साइड का अगर टोटल ज्यादा है क्रेडिट की कंपैरिजन में, तो आपका कैश बुक बैंक बैलेंस बताएगा, मतलब कि आपके बैंक में बैलेंस है। हम बात कर रहे हैं यहां पे खाली बैंक कॉलम की, कैश बुक के बैंक कॉलम की। डेबिट साइड ज्यादा है मतलब रिसिप्ट ज्यादा हुई है, हमारे बैंक में रिसिप्ट ज्यादा हुई है और इसलिए हमारे बैंक में बैलेंस है, ये इसका मतलब होगा। तो जब आपको कोई बोले कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उसका मतलब होगा बैंक बैलेंस। इससे रिवर्स भी पॉसिबल है, इफ टोटल ऑफ क्रेडिट इज मोर, तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल कैश बुक का ज्यादा है मतलब हमने पेमेंट ज्यादा किया है, और जब पेमेंट ज्यादा किया हो रिसिप्ट की कंपैरिजन में, तो इसका एक मतलब निकलता है कि बैंक ने हमको एक फैसिलिटी दी है ओवर पेमेंट करने की, जिसको हम बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक अपने अच्छे कस्टमर को ये फैसिलिटी देती है कि शॉर्ट पीरियड के लिए अगर उनके बैंक में बैलेंस नहीं है तो भी वो पेमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है जो बैंक से हमको मिला हुआ है कि हमारे अकाउंट में बैलेंस ना हो तो भी हम पेमेंट कर पाए, जिसका पेमेंट हमें थोड़े टाइम में कर देना होता है बैंक को। तो मैंने यहाँ पे आपको कैश बुक के बारे में दो चीजें बताई कि कैश बुक में दो पॉसिबिलिटी है। अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है इसका इनडायरेक्टली मीनिंग निकलता है देयर इज ए बैंक बैलेंस, हमारे बैंक में बैलेंस है,
ये इसका मतलब निकलता है। क्योंकि डेबिट साइड का टोटल तभी ज्यादा होगा जब हमको रिसीव ज्यादा हुई होगी। एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपको क्रेडिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि हमारे बैंक में बैलेंस नहीं है, फिर भी बैंक ने हमको फैसिलिटी दिया है कुछ पेमेंट करने की, तो इसका मतलब होगा देयर इज ए बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब बैंक ने हमको एक फैसिलिटी दिया है जिसमें हम बैलेंस ना हो तो भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है कैश बुक में। अगर आपका बैंक में बैलेंस है तो उसको फेवरेबल बैलेंस बोला जाएगा, फेवरेबल बैंक बैलेंस। इसका मीनिंग निकलेगा। पर अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट है तो इसका मतलब होगा अनफेवरेबल बैलेंस है। तो दो तरह के बैलेंस आपको मिलेंगे कैशबुक में, दो पॉसिबिलिटी है कैशबुक में, दो तरह के बैलेंस हो गए, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल मतलब आपके बैंक में बैलेंस है, अनफेवरेबल मतलब आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। उसी तरीके से अगर पासबुक की अगर हम बात करें तो पासबुक में भी ये पॉसिबिलिटी है, पासबुक में भी ये पॉसिबिलिटी है। क्या पासबुक देखोगे तो आपकी पासबुक में अगर अमाउंट ज्यादा क्रेडिट हुआ है, अगर आपने आपकी बैंक में अमाउंट ज्यादा क्रेडिट किया हुआ है, तो पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसका मतलब होगा there is bank balance। मतलब हमारे बैंक में अमाउंट ज्यादा क्रेडिट है। अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि देर इज ए बैंक ओवरड्राफ्ट। ये दो मतलब निकलते हैं। बैंक बैलेंस जिसको हम फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे, और बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसको आप अनफेवरेबल बैलेंस बोलोगे। अब यहां पे समझना ये है कि बैंक में पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो बैंक बैलेंस है, जबकि कैशबुक में डेबिट बैलेंस होता है तब वो बैंक बैलेंस कहा जाता है। हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट होता है और हमारा क्रेडिट बैंक में डेबिट होता है। हम जो भी क्रेडिट करते हैं वो बैंक डेबिट करती है, और बिजनेसमैन जो भी डेबिट करता है वो बैंक क्रेडिट करती है। ऐसा क्यों? तो देखो, डेबिट मतलब रिसिप्ट। अगर हमें बैंक में कुछ मिला हुआ है, हमको किसी ने चेक दिया है, तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे तो रिसिप्ट बताएगा, उसी चीज को बैंक हमारे अकाउंट में जमा कर देगी, क्रेडिट कर देगी। तो अगर हम कुछ डेबिट करते हैं तो उसका मतलब वही हुआ कि हमारे बैंक में वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है। पर अगर आप कैश बुक में कुछ क्रेडिट कर रहे हो, मतलब पेमेंट कर रहे हो, तो बैंक आपकी वो अमाउंट कट कर लेगी, मतलब डेबिट कर लेगी। तो दो पॉसिबिलिटी है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब बैंक बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब बैंक बैलेंस, और ये दोनों को फेवरेबल बैलेंस कहा जाता है। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये दोनों को अनफेवरेबल बैलेंस कहा जाता है। तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। आ रहा है समझ में? तो दो तरह के बैलेंस